मुझे ताकीद की गई है कि जल्दी से अपनी बात को ख़त्म किया जाए, तो इसीलिए मैं टू द पॉइंट बात करूँगा और मैं कुछ दो तीन मुद्दों पर अपनी बात सीमित करूँगा। पहली बात जो आज का हमारा विषय है कि उच्च शिक्षा में प्रतिनिधित्व का सवाल। मैं इस मुद्दे की शुरुआत हमारे मंच के दोनों ओर लगे संविधान की प्रस्तावना से शुरू करना चाहूँगा, जहाँ एक शब्द आता है कि हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग, आखिर हम भारत के लोग हैं कौन? कौन मिलकर ये भारत बनाता है? क्या इस भारत को कुछ मुट्ठी भर लोग मिलकर बनाते हैं जो हमेशा से ब्राह्मणवाद की पालकी पर बैठे हुए देश पर शासन करते रहे, या इस भारत को वो मेहनतकश, वो मजदूर मिलकर बनाते हैं जिन्होंने खेत इनके ढोए, मकान इनके बनाए, नालियां इनकी साफ करी, कपड़े इनके सिए, इनकी पालकियां ढोई? क्या वो भारत के लोग मिलकर बनाते हैं, ये मुट्ठी भर लोग भारत को मिलकर बनाते हैं? मैं कहना चाहूंगा अपनी बात को कि अभी तो एक पहली पीढ़ी पिछड़ों की यूनिवर्सिटी में आना शुरू हुई है, क्योंकि हमारा मुद्दा है उच्च शिक्षा में प्रतिनिधित्व का सवाल। एक पहली पीढ़ी अभी आना शुरू हुई है और उसके आने पर ही इतनी बड़ी तकलीफ शुरू हो गई कि कभी रोस्टर के माध्यम से, कभी ऑटोनॉमी के माध्यम से, कभी तमाम तरह के कानून बनाकर पिछले दरवाजे से आरक्षण को ठिकाने लगाने का काम शुरू कर दिया गया। अभी फिलहाल अगर देखा जाए माइनॉरिटीज में, जैसा कि सच्चर समिति की रिपोर्ट थी, बहुत ही कम परसेंटेज, लगभग 4% के लगभग माइनॉरिटीज से, खासकर मुस्लिम तबके से लोग यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं। उसमें महिलाओं का भी जो प्रतिनिधित्व है वो बिल्कुल बहुत शून्य है, 3% लगभग उसके करीब है। मैं जानना चाहता हूं भाजपा सरकार से ही और इन ब्राह्मणवादियों से मेरा सवाल है, आपको बड़ी तकलीफ है, आपको बड़ी चिंता है मुस्लिम महिलाओं की, आप 3 तलाक पे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आप जो है तमाम तरह के बयानात देते हैं, एक बात बताइए कितना किया है आज तक आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए? कितने स्कूल खोले हैं आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए? आपको ज्यादा तकलीफ होती है 3 तलाक पे? ठीक है, हम ये नहीं कहते कि 3 तलाक पे आप आए, लेकिन ये तो बताइए कि वो महिला, वो मुस्लिम महिला जिसे आज 3 तलाक पर सड़क पर आने के लिए कहते हैं, उसका इतना सशक्तिकरण किया है आपने कि वो अपनी घर की 4 दीवारी से बाहर निकल कर आ सके? क्या ऐसा किया है आपने? मैं अपनी बात संक्षेप में ही रखूंगा और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 1946 में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का एक नारा दिया था, उस वक्त हमारे पूर्वजों ने मिलकर उसका मुकाबला किया था। हम लोगों ने तय किया था कि हम लोगों को भारत में रहना है, और आज आप 2018 में देख सकते हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे तो नहीं मनाए जाते हैं, लेकिन रोज एक सर्जिकल स्ट्राइक करी जाती है आपके अधिकारों के ऊपर, जहां कभी रोस्टर के माध्यम से, कभी ऑटोनॉमी के माध्यम से आपके अधिकारों को ठिकाने लगाया जाता है। मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व की बात अगर करें तो ओबीसी का एक बहुत बड़ा तबका मुस्लिमों से आता है, और ये बात सब जानते हैं कि लगभग इस पूरे तबके को हाशिए पर पहुंचाने के लिए भाजपा ने किस कदर प्रयास किए हैं। जब भी एक बहुजन एकजुटता बनने की बात आई है, जब भी एक मोर्चा बनने की बात आई है, इन्होंने हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हम लोगों को बांट दिया है। लेकिन हम लोग बताना चाहते हैं कि तुम्हारी ये चाल अब और नहीं चलेगी। हम लोग एक हैं, हम लोग मेहनत कश जनता हैं, हम लोग बहुजन हैं, हम लोग किसी भी तरह से तुम्हारे किसी हिंदू मुस्लिम के बंटवारे में नहीं आने वाले हैं, और अगर तुम हमारे अधिकारों को इस तरह से छीनने की कोशिश करोगे तो डायरेक्ट एक्शन डे हम मनाएंगे, हम सड़कों पर जाएंगे और तुम्हें बताएंगे तुम्हारी औकात क्या है। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद।